हाँ जी स्टूडेंट सुन कर दिया। नेक्स्ट बेटा आप फिफ्थ सम एक्सरसाइज 11.2 का स्टेटमेंट है, ड्रॉ आ लाइन सैगमेंट ए बी ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कि सब तो पहला सानू उन्होंने एक 8 सेंटीमीटर लाइन सैगमेंट ड्रॉ करन दे लिए किया है। टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कि जिहड़ी आपां ए बी जिहड़ी लेंथ आ आपां एक रफ स्कैच बना लैने हर सम दी तरह कि आपां ने ए ते बी एक लेंथ जिहड़ी 8 सेंटीमीटर दा आपां लाइन सैगमेंट ड्रॉ करांगे। कहिंदे ए नूं सेंटर मन के आपां ने किन्ने रेडियस दा सर्कल बनाउणा 4 सेंटीमीटर, मतलब इहनूं एज़ अ सेंटर मन्नांगे ते सर्कल ड्रॉ कर देंगे 4 सेंटीमीटर रेडियस दा, ते बी नूं सेंटर मन्नांगे ते अनदर सर्कल ड्रॉ कर देंगे रेडियस 3 सेंटीमीटर दा, राइट। फिर की क्या उन्होंने कहिंदे कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। कहिंदे किसी होर सर्कल दे सेंटर तो तुसी की करना इन्हां नूं की ड्रॉ करनियां इहदियां टेंजेंट्स ड्रॉ करनियां। सो इहदियां टेंजेंट्स आपां ड्रॉ करदे आं। सब तो पहला जो किया उन्होंने आपां लेंथ ड्रॉ करदे आं, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। सब तो पहला 8 सेंटीमीटर लाइन सैगमेंट आपां ड्रॉ करदे आं। ए रहा साढ़े कोल 0 और ए रहा अपने कोल 8, ठीक है बेटा जी। 8 सेंटीमीटर आपां लाइन सैगमेंट ड्रॉ करदे आं, इनू पॉइंट दें आप ए, इनू नाम दे दें आप पी। हूँ नैक्सट लाइन उन्होंने कहा कि सर्कल ड्रॉ करो रेडियस किन्ने का 4 सेंटीमीटर का। सो हूँ आप कंपस खोलते हैं 4 सेंटीमीटर। सो फस्ट ऑफ ऑल पॉइंटर नूं आप 4 दैन 0, 4 सेंटीमीटर आप कंपस खोलते हैं। ए नूं सेंटर मन्नांगे यानी कि ए आप अपना कंपस का पॉइंटर जिहड़ा आ वो टिका लवेंगे, तो 4 सेंटीमीटर का आप रेडियस का की ड्रॉ कर देवे सर्कल, ठीक है बेटा जी। सो ये हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। नेक्स्ट क्या उन्होंने टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हूँ बी नूं सेंटर मन्नांगे तो सर्कल ड्रॉ करांगे। हूँ नैक्सट सर्कल ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का, 3 ते आपां रखांगे अपना पॉइंटर, 3 सेंटीमीटर की कंपस खोलांगे, ए रहा 3, तो हूँ बी नूं सेंटर मनना। सो बी ते आपां अपना पॉइंटर टिकावांगे कंपस का तो सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ए रहा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। हुण उन्होंने कहा कि टेंजेंट जिहड़ी तुसीं ड्रॉ करनी है वह किसी होर सर्कल तो, होर सर्कल तो इट मीनस असीं हरेक सम की तरह इन्हों की करांगे बायसैक्ट करांगे ताकि सानूं एक सेंटर पॉइंट मिल सके तो आप तो सर्कल ड्रॉ कर सकीए, तो उस सर्कल तो आपां ने की ड्रॉ करनियां ने टेंजेंट। सो हुण इह साडा लाइन सैगमेंट सी 8 सेंटीमीटर। सो हर जिवें आपां पहले मैं तुहानूं दस्या बेटा कि आपां जदों भी इहनूं बायसैक्ट करना तो अद्ध तो वध आपां ने कंपस खोलनी है। ए बी लाइन सैगमेंट है कि मान लो ए साडा की हो गया हाफ हो गया, लैट इट बी आप मान के चलते हैं कि हाफ है। हूँ हाफ तो वध आपां ने की खोलनी है कंपस खोलनी है। हूँ हाफ तो वध जो असीं कंपस खोलांगे तो इहनूं बायसैक्ट करांगे। ए ते सब तो पहला आपां पॉइंटर रखते हैं, जिन्ना आपां ने हाफ मन्निया उस तो वध आपां ने कंपस खोल लैनी है, ठीक है बेटा जी। मैयर करके तो मैं नहीं खोलिया, हमेशा जदों भी बायसैक्ट करना तो अद्ध तो वध आपां ने कंपस खोलनी है। हूँ एक बार आपां बी पॉइंटर ते रख के आर्क लगा देवांगे, एक बार ए ते अगर ये नहीं इंटरसैक्ट की तो दोबारा असी उन्नी कंपस के नाल ही उन्हें बंद नहीं करना, खोलना नहीं, दोबारा जिहड़ी आर्क आ वो ड्रॉ कर लेनी है क्योंकि इन्हां दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। अगर जिथे जिहड़े भी पॉइंट इंटरसैक्ट करूँगियाँ सानू वो सेंटर पॉइंट मिलना बेटा, ठीक है। जिवें देखो इस पॉइंट ते इंटरसैक्ट की आर्क्स दोने, ये दोनों इस पॉइंट ते इंटरसैक्ट की, तो इतों आपने एक स्ट्रेट लाइन जिहड़ी आ वो ड्रॉ कर देनी है ताकि सानू अनदर सर्कल ड्रॉ करन दे वास्ते एक सेंटर पॉइंट मिल सके। हुण आ साडा आ गया सेंटर पॉइंट, इतनी आपां की खोलांगे कंपस खोलांगे। सेंटर पॉइंट ते आपां कंपस रखांगे, ए पॉइंट तक आपां जिहड़ी कंपस आ वो खोलनी आ, इन्नी कंपस खोली, इधरों भी तुसीं देखोगे सेम होगा जिन्नी बी ते, उन्नी बी ते ही आऊगी कंपस, ते इधरों भी ए ते। सो हुण इन्नी कंपस खोल के आपां ने की करना सर्कल ड्रॉ कर देना, ते उहदे तों आपां ने की ड्रॉ कर देनियां ने टेंजेंट्स ड्रॉ कर देनियां ने, ठीक बेटा जी। मैं एक बार दोबारा कंपस सैट कर लैनी हाँ, ए तक आपां ने कंपस खोलनी है, आ रहा साडा ए पॉइंट, इधरों बी पॉइंट, सेंटर जिथे भी जिथे लाइन बायसैक्ट कीतियां ने उत्थे कंपस रख के असी की ड्रॉ कर देना सर्कल। सो हुणे साडा सर्कल ड्रॉ हो गया, जिथे जिथे सर्कल नूं टच किया उत्थों आपां की ड्रॉ कर देवांगे टेंजेंट। जिदा सब तो पहला इस सर्कल नूं किथे टच किया उहदे पॉइंट्स लगा देने, एक इत्थे और एक इस पॉइंट ते, इस लाइन तो आपां इधर टेंजेंट्स ड्रॉ कर देवांगे।
ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਏ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਟੇਂਜੈਂਟ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਓ। ਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ? ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਟੀ ਅਤੇ ਆਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਪੀ ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਏ ਕਿਊ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਰ ਔਰ ਬੀ ਟੀ। ਬੀ ਆਰ ਐਂਡ ਬੀ ਟੀ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ।